जो आज सरकारी नौकरियों 10 सरकारी नौकरियों में से 7 सरकारी नौकरी केवल संविदा पे रेवड़ी की तरह बांटी जा रही हैं, और ऐसे ही गाजर मूली की तरह उन लोगों को कभी फेंका जाता है पूरा काम लेने के बाद, जब उनको पूरी तनख्वाह नहीं मिलती और दो दो चार चार हजार रुपए में उनसे 12-12 घंटा काम लिया जाता है, तो वरुण गांधी अगर ये नहीं बोलेगा तो फिर इस राष्ट्र का झंडा उठाने का संकल्प मैंने कैसे किया अपने हाथ में। अगर हम लोग भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं क्योंकि हम मानते हैं कि ईमानदारी और राष्ट्रभक्ति ये दोनों सगी बहने हैं। अगर ईमानदारी नहीं होगी तो राष्ट्रभक्ति भी नहीं हो सकती। जो लोग कमीशन खाते हैं, जो लोग पहले कच्चे मकान में रहते थे फिर जनप्रतिनिधि बनने के बाद अरबों के महल बना रहे हैं, जो कॉलोनियां काट रहे हैं, जो लोगों का हक छीन रहे हैं, अगर वरुण गांधी आवाज नहीं उठाएगा तो क्या ये लोग आवाज उठाएंगे? मैं राजनीति में इसलिए नहीं आया क्योंकि राजनीति एक पेशा है, ना मैं राजनीति में कुछ बनने आया। मैं राजनीति में आया तो इस मिट्टी की खुशबू जो मुझे लगती है इसका मान सम्मान बढ़ाने के लिए मैं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं ताकि अगर कोई मायका लाल हिंदुस्तान को अंदर से दीमक की तरह खा रहा है तो हम नाम लेके और उसका काम लेके भी बोलेंगे और डंके के चोट पे बोलेंगे। हमारे देश में आपके बाप दादाओं ने, आपके मां और दादियों और नानियों ने अपने कंगने बेच दिए इस देश की आजादी की लड़ाई में, अपनी हड्डियां तोड़वा दी, जेल की सजा काटी, सब कुछ अपना दांव पे लगाया, तब हमारा देश जाके स्वतंत्र हुआ। आज केवल हम हिंदुस्तान पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पे ताली बजाएं, ये हमारी देशभक्ति नहीं हो सकती। देशभक्ति हमारी तब होगी जब हम अपना सब कुछ दांव पे लगाने के लिए तैयार हों इस देश के लिए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग यहां पे हाथ उठाइए, कितने लोग यहां पे इस देश को प्यार करते हैं हाथ उठाइए, कितने लोग अपने बच्चों को प्यार करते हैं अपना हाथ उठाइए। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाह रहा हूं, आज जब आप गरीबी देखते हैं, आप बेरोजगारी अपनी पाते हैं, आप अपने बढ़ते हुए इलाज के दाम को देखते हैं, आप अपने बच्चों की बढ़ती हुई स्कूल फीस को देखते हैं, आप दूध के, दही के, सब्जियों के, फलों के बढ़ते हुए कीमत को देखते हैं, तो क्या आपको नहीं लगता आपके इस बेटे वरुण गांधी को इनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए कि नहीं उठानी चाहिए? भाइयों, जब मैं राजनीति में आया तो मैं एक शंकराचार्य महाराज के पास गया, मैंने उनके चरण छुए, मैंने कहा महाराज कुछ हमको ऐसा बताइए कि आजीवन हम लोग इसको गांठ बांध करके अपनी राजनीति का नींव बनाएं। उन्होंने केवल दो लाइनें बोली, उन्होंने कहा एक बेटा दूसरों के हमेशा काम आना, और दूसरा बोले कि सच्चाई के मामले में
कफन बांध के हमेशा चलना। उन्होंने कहा कि तुमको मैं आशीर्वाद इसलिए नहीं दे रहा हूं कि तुम एक सांसद मंत्री ये सब बनो, तुमको मैं आशीर्वाद इसलिए दे रहा हूं कि इस देश में जहां भी अन्याय और जब भी अन्याय होगा तुम उसके खिलाफ एक क्रांतिकारी बन के बोलोगे। हमारे बाबा जी बैठे हैं यहां पे, प्रणाम करता हूं बाबा जी आपको। एक तो बाबा जीयों को हमने पाल दिया, अभी इनको देख के दूसरे बाबा जी भी आ गए कि हमारा नंबर भी कहीं ना आ जाए। क्या गलत कह रहे हैं? कह रहे भाई एक दो बाबा जीयों का नंबर लग गया, हो सकता है हम मीटिंग में आए कल हमारा भी लग जाए नंबर। जय हो बाबा जी आपकी, इनको अभी से माला पहना दो भैया। भाइयों, मैंने इस बार संसद में एक निजी विधेयक सदन के पटल पे डाला है जिसको कहते हैं भरोसा भारतीय रोजगार संहिता, जो सरकार से ये मांग कर रहा है सार्वजनिक रूप से कि आज 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी नौकरियां खाली पड़ी हैं। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं हर साल 10 लाख नौकरी दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय 10 लाख नए नौकरी पैदा करने तो बाद का विषय है, पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं उनकी भरपाई तो कीजिए, ताकि आने वाले समय में जो 5 लाख 2 लाख 50,000 धीरे 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 बेरोजगारी खत्म हो। इससे अच्छा कि सरकार बड़ा ऐतिहासिक फैसला लेके बेरोजगारी एक क्षण में उसको परास्त करे। हमारे देश में कब तक असली मुद्दों पे हम शांत रहेंगे? कब तक हम केवल वोट राम और रहीम पे देंगे? कब तक हम केवल वोट जातिवाद पे देंगे? क्या हम लोग देश में ये नहीं समझते कि आग जो एक तरफ से शुरू होती है वो फैलते फैलते हमारे मकान तक भी पहुंचेगी? क्या ये हम नहीं समझ रहे? आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, अभी कोविड के चपेट में पता नहीं कितने 85 लाख लोग हिंदुस्तानी शहीद हुए। क्या आप जानते हो कि कोविड के बाद एक नई नौकरी की भर्ती नहीं हुई चिकित्सा में, एक नया डॉक्टर की भर्ती नहीं हुई, एक नया कंपाउंडर की भर्ती नहीं हुई, एक नए नर्स की भर्ती नहीं हुई? अगर कल कोविड भगवान ना करे फिर आ जाए देश में तो किसकी जिम्मेदारी होगी? बताइए, मैं सही कह रहा हूं मैं गलत कह रहा हूं? मैं ये पूछ रहा हूं कि जो संविदा कर्मचारियों ने कोविड में दिन रात कमर तोड़ मेहनत की और उस समय उनको बोला जाएगा, उस समय उनको बोला गया कि आज जो आप रिस्क उठाते हो देश के लिए, कल कोविड खत्म होने के बाद हम आपको पक्का करेंगे, क्या वो लोग पक्के हुए? बताइए, पक्के हुए? क्यों नहीं? हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। मैंने इस बार पूरी सांसद निधि केवल शिक्षा पे खर्च की, पूरी एक एक पैसा।
अभी मैं आ रहा हूं सितंबर में बांटने के लिए। क्या किया मैंने, जितने भी कस्तूरबा विद्यालय हैं, 7 विद्यालय, सबको हमने कंप्यूटर और साइंस का लैब प्रदान किया है, पूरे जिले में 7।